आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर है। वृद्धा की धारदार हथियार से हत्या, खून से लथपथ इस वृद्धा का शव पड़ा मिला। शव घर के बाहर थैला गाड़ी पर डालकर आरोपी फरार हो गया। वृद्धा कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। मौके पर डिप्टी नरेश कुमार ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। आमेर के दाइयों का पावटिया मोहल्ले की घटना। देखिए धारदार हथियार से संभवतः हत्या की गई, क्योंकि कपड़े प्रेस करने का काम करती थी और उसके बाद में हत्या करने के बाद खून से लथपथ शव को हाथ देने पर फेंक कर वहीं पर गिराकर ग्यारह भी वहां से फरार हो गया। आमेट के नायू का पावटिया मोहल्ले की घटना। राजसमंद आमेट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभाग की सनसनीखेज हत्याकांड से मोहल्ले में भी इस चीज को लेकर डर और भय है कि अचानक से इसे क्या हो गया, उसके बाद में किस व्यक्ति ने भी इतनी निर्ममता से हत्या कर दी। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में आमेट से स्थानीय सहयोगी सुनील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, वृद्धा की हत्या से धारदार हथियार से जिनकी हत्या की गई उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी हो गई, क्या पुलिस कह रही है अब तक इस मामले को लेकर? हाँ ज्योति, बता दो, जिस तरह से ये राजसमंद के आमेट थाना सर्कल के नायो का पावटिया का मोहल्ले का मामला है, जहाँ पर एक वृद्धा काफी समय से यहीं रह रही थी और उसके साथ दो बेटियां भी रहती है, और देर रात के करीब 3 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर वृद्धा और अपनी बेटियों के साथ घर पे ही थी और रात्रि के समय ही चिल्लाने की जब आवाज आई तो देखा गया तो वृद्धा की लाश घर के बाहर ही एक ठेला गाड़ी पड़ी थी, उसके ऊपर पड़ी थी और खून से लथपथ थी। और इसमें मोहल्लेवासी तुरंत प्रभाव से सूचना आमेट पुलिस को दी, जहाँ आमेट से आमेट थाना अधिकारी सहित डिप्टी नरेश कुमार भी मौके स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया और शव को कब्जे में लिया गया है। और बता दो कि इस हत्या के मामले में किसी तरह से संदेह परिवारजनों पर ही जताया जा रहा है और डिप्टी नरेश कुमार पूरी इस घटना की जानकारी में जुटे हुए हैं और सामने प्रथम दृष्टया परिवार में ही झगड़े का सबसे मतलब मूल कारण सामने आ रहा है। सुनील, इसके अलावा परिवार के झगड़े का तो मूल कारण आपने बताया, कोई लूट का एंगल इसमें नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आपने बताया कि अपनी बेटियों के साथ रहती थी घर पर, और कोई मौजूद था या फिर किसी तरह की लूट की अभी जांच इस एंगल से की जा रही है? नहीं, इस मामले को लेकर पहले ही बता दूं, इसमें एक परिवार बिल्कुल गरीब परिवार का था और रोज के कपड़े की जो वृद्धा थी वो कपड़े की रोजाना अपने प्रेस का कपड़ा के काम करती थी और ये इसके चलते बिल्कुल गरीब स्थिति में थी। इस तरह परिवार में किसी तरह से कोई गहने वगैरह इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। कुल मिला के परिवार में आपसी झगड़ा है और घर के ही किसी सदस्य द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है प्रथम दृष्टया तो। चलिए सुनील, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।